हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में भी शाम के टाइम नहीं, रात का टाइम हो रहा है, 9 बज के हो चुके हैं 55 मिनट, यानी कि 10 बजने वाले हैं और 10 बजे को हमारा सारा किचन वगैरह, डिनर, ईच एंड एवरीथिंग इज डन। तो अभी सोने का टाइम है। मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग की शुरुआत इस टाइम से कर दूं। ऐसा कुछ प्रोडक्टिव तो मैं नहीं करने वाली थी, बट फिर भी सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं अभी। और क्या होते हैं, बर्तन वगैरह धो गए तो हाथ इतने ज़्यादा वैसे हो गए ना, और पहले ऐसा होता था कि इसे सॉफ्ट सॉफ्ट से हाथ होते थे, और अभी इतने सारे काम और सब के चक्कर में एज का भी फर्क होता होगा। तो अभी ना जैसे ठंडा गर्म, कभी ठंडे पानी से धुल रहे हैं, कभी गर्म पानी से धुल रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि उस चक्कर में हाथ जो है ड्राई बहुत हो जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ, वैसे बोरोलिन भी यूज़ करती हूँ, बट मेरा जो हैंड बैग है बोरोलिन उसमें रखी है और हैंड बैग रखा है बाहर वाले रूम में। तो ऐसे ऐसा है, आज दिन भर तो मौसम ठीक रहा, लेकिन रात के टाइम, शाम के टाइम सॉरी, 4:30-5 बजे करीब बारिश, खूब बारिश हुई, खूब ओले भी गिरे, तो ऐसा ऐसा रहा आज का मौसम। सॉक्स तो आजकल बिल्कुल निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, और ये मेरी जैकेट ऑफिस से आने के बाद मैंने उतार के यहीं पर टंगा दी और यहीं पर टंगी रह गई, तो ऐसा है। और वैसे तो मैंने मुंह भी नहीं धोया है, बट मुंह में ऐसा कुछ लगा भी नहीं था, बस थोड़ा सा ये है कि लिप्स ड्राई हो जाते हैं, ये है। तो उर्वी और उर्वी के पापा पता नहीं बाहर क्या कर रहे हैं, वो सुसु वगैरह करवा रहे हैं उससे, अब वो भी आ जाएंगे अंदर रूम में सोने के लिए। आज मैंने अपनी फ्रेंच ब्रीड बनाने की कोशिश करी है, ऐसे तो मेरे उससे बनती नहीं है, बट फिर भी मैंने इस तरीके से कुछ कुछ करके तो कोशिश की है बनाने की, बैठे बैठे यहाँ पे, तो ऐसा सारा। तो चलिए अभी सो जाते हैं, आपसे मिलते हैं सुबह। इतने 2-3 दिन के बाद इतना अच्छा मौसम देख सकते हो बाहर ना, धूप निकली है और मेरे कपड़े संडे से लेके जो है अभी तक सूखे नहीं थे, वो भी मैंने बाहर डाले हैं धूप में अभी। आप उठो, और कुछ कपड़े जो सूखे वो उठा के लगा सामने ढेर। और ये उर्वी, आ जाओ अंदर, आ जाओ, कहाँ है डाकू। तो धूप अच्छी खासी निकले, कुछ कपड़े स्टैंड पे ही है, कुछ मैंने डाल दिए बाहर धूप में ताकि उनको थोड़ी बहुत धूप लग जाए। वैसे तो सूख ही गए हैं, बट ये होता ना कि हल्के बारिश की वजह से ऐसा लगता है जैसे कपड़े गीले ही हैं, तो हल्का हल्का सा अगर उनको धूप लग जाए तो सूखे सूखे से लगते हैं, करारे करारे से तो नहीं हो पाएंगे, बट हाँ सूखे लगेंगे। और अभी मैं ऑफिस से आई हूँ और सुबह मैं व्लॉग नहीं किया करती हूँ एक्चुअली ना, सुबह जिस टाइम पे मैं खाना वगैरह बना रही थी ना, उस टाइम पे एक तो मैं वो देखती हूँ अनुपमा, दूसरा मैं राधा कृष्ण जो है वो फिर से शुरू कर, पता नहीं मैंने कितनी बार देख लिया, वो शुरू कर रही हूँ फिर से, तो वो भी देखती हूँ। तो उस चक्कर में ना मेरे को कई बार ध्यान ही नहीं रहता कि मैं व्लॉग भी कंटिन्यू रखा है या शुरू किया है, ठीक ये था मेरे साथ। अभी मैंने बहुत सारी ना इस बार अमेजोन से शॉपिंग करी है विंटर्स, और वैसे भी तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। क्या चाहिए बेटा, जेम्स तो खत्म है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने शॉपिंग की है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक तो शॉपिंग करने का रीजन आप लोगों के साथ पास ये भी हो सकता है कि 14 फेब आ रहा है, जिन लोगों को सेलिब्रेट करना है उनके लिए तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम वैसे भी अपने लव्ड वंस के लिए और अपने लिए कुछ ना कुछ तो मंगवा ही सकते हैं। तो इस बार की जो शॉपिंग है एज यूजुअल मेरी अमेजोन से ही है, और मैंने बहुत ही बेसिक नीड्स की और जो आजकल यूज होने वाली या वैसे भी नॉर्मल लाइफ में जो हमें चाहिए होती है चीज़ें वो ऑर्डर करी है। तो मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि आपको पता है कि मैंने बालों पे स्मूदनिंग करवाई थी, तो बीच में मैंने क्या था कि ऐसे ही ना शैम्पू कोई सा भी रैंडमली ऐसे यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं अभी बाल मेरे थोड़े बहुत स्मूदनिंग का असर है, तो मैं अपने बालों के साथ ऐसे रिस्क ना लेके अच्छा सा शैम्पू मंगवाती हूँ। तो अमेजोन से मैंने ये मैट्रिक्स का जो स्मूथ स्ट्रेट शिया बटर प्रोफेशनल शैम्पू है ये वाला मंगवा लिया है, ऑर्डर कर लिया है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा ये है, और आपको भी अगर बाल आपने स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग कुछ नहीं करवाई है और आप चाहते हैं कि आपके बाल जो है थोड़े स्ट्रेट और स्मूथ रहे, नेचुरली जो स्मूथनिंग लगती है ना एकदम नेचुरली स्मूथ या स्ट्रेट रहे, तो आप ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। जब मैंने स्मूथनिंग वगैरह कुछ नहीं करवाई थी अपने बालों में, उस टाइम पे भी ये वाला जो शैम्पू है वो मैंने यूज किया और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और इसके अलावा मैंने अपने लिए ये लिप टिंट मंगवाया है, टिप्सी लिप्स मॉइस्चराइजिंग बाम, तो ये शुगर का है,
ये देख सकते हो आप। तो अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया, मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ, पर ऐसा ना हो सर्दी चली जाए, क्योंकि सर्दियों में ना हमारे जो लिप्स होते हैं बहुत ही फटे हुए और बहुत ही ड्राई से लगते हैं, तो फिर इसलिए मैंने ये वाला सोचा कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि निविया का मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, तो इस बार ये ट्राई करने का मन था। उसके बाद मैंने अपने लिए जीन्स मंगवाई है। मेरे साथ ना जीन्स का बहुत इशू रहता है, क्योंकि कमर से कई बार लूज होती है, तो थाइस से टाइट हो जाती है, और थाइस के हिसाब से लूँ तो कमर लूज होती है, तो मैंने सोचा कोई नहीं, कमर के साथ मैनेज किया जा सकता है बट थाइस के साथ नहीं। पर इस बार की जो ये जीन्स है ये मैंने ऐसे स्ट्रेट फिट में मंगवाई है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये देख सकते हो दो मंगवाई है मैंने, दोनों ही ऐसी है। तो वैसे मैंने कलर ये थोड़ा लाइट वाला मंगवाया था, ये थोड़ा डार्क आ गया है, बट कोई नहीं, मुझे ये भी अच्छा लगा है। तो इसका जो ये बटन पैटर्न आप ऐसे देख सकते हैं, जिप नहीं है इस तरीके से, ये बटन ही है। तो मैंने वेस्ट 34 मंगाई है, क्योंकि ये हाई वेस्ट है, हाई वेस्ट मुझे वैसे 32 भी आ जाता है अगर वेस्ट हाई वेस्ट मंगवाओ, बट फिर वही साइज वाला इशू रहता है। तो फिर मैंने जो है ये 34 मंगवाया है, और सामने की तरफ से ये इस तरीके का है, ऐसे करके इसमें एक स्टिच जैसे लाइन सी है, जो कि पहन के बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे उससे भी अच्छे इसकी ये जो ये बटन पैटर्न में है ये अच्छा लगा। तो सिंपल सी जीन्स है, सिंपल सा कलर है जो नॉर्मली डेनिम का रहता है वही। तो एक तो ये है, इसके अलावा एक और जीन्स मंगवाई है मैंने, ये भी थोड़ी सेम कलर में, बट इसमें थोड़ा सा वाइट वॉश बीच में जो वाइट सा रहता है इस तरीके से वैसा है। तो आप देख सकते हो ये वाली तो बिल्कुल डार्क है ये वाली, और ये वाली थोड़ी सी हल्का अलग कलर है इसका, तो इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये थोड़े लूज स्ट्रेट फिट में है ऐसे करके, मतलब कि बेल बॉटम में नहीं है इस तरीके से स्ट्रेट। अगेन ये भी हाई वेस्ट है, तो मैं ज़्यादातर अभी जो जीन्स लेती हूँ वो हाई वेस्ट, क्योंकि मिड वेस्ट और लो वेस्ट का भी उतना मुझे पसंद नहीं है। तो ये भी मैंने 34 ही मंगवाई है, और मैंने दोनों ट्राई करके देखी थी, दोनों ही परफेक्ट आ रही है। तो ये है इस तरीके से, ये देखो। तो बीच बीच में उर्वी की आवाज़ें लगाना एज यूजुअल होता चलता रहता है। और उसके अलावा मैंने अपने लिए रिबॉक के जो है ये शू मंगवाए हैं, रनिंग शू, क्योंकि अभी फिर से मैं अपनी वॉक जो है वो शुरू करने वाली हूँ। और आपको पता है कि जब भी हम रनिंग स्टार्ट करते हैं या वॉक स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो मैटर करता है, हमारा जो शूज़ होता है वो। तो इसीलिए फिर मैंने ये लाइट वेट से और बहुत ही कंफर्टेबल से इस तरीके से अपने लिए ये रिबॉक के शू ऑर्डर किए हैं, जो कि पर्पल कलर में, अगेन मेरा 6 नंबर है, तो मैंने 6 नंबर ही मंगवाए हैं। और ये ना पहन के बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे हैं पैर में पहन के। अभी खैर मैंने चलने के लिए, वैसे बाहर निकलने के लिए यूज़ नहीं किए, बट जब आता है तो ट्राई करना पड़ता है ना, कि ऐसा ना हो कि साइज़ बड़ा छोटा हो। तो साइज़ प्रॉपर है, तो आपका भी जो साइज़ है 4, 5, 6, 7 जो भी आप पहनते वही साइज़ मंगवाएं, मतलब ये साइज़ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साइज़ बड़ा मंगवाना पड़ेगा या छोटा, प्रॉपर जो साइज़ आप पहनते हैं वो। तो ये मैंने 6 नंबर मंगवाए, वैसे मुझे 5 नंबर आता है, बट मैं 1 नंबर ऐसे ही मंगवाती हूँ, ताकि मेरा जो पैर का जो अंगूठा है उसमें नेल में कोई दिक्कत ना हो, दुखे ना, तो इसलिए ये रहे मेरे शूज़। तो ये कुछ 5 चीज़ें जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाई हैं, तो इन सब के जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं इनमें से जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल इसको ओपन अभी कर ही लेते हैं। और अमेजोन से मुझे शॉपिंग करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अमेजोन जो है मुझे ट्रस्ट है अमेजोन पे, आपने देखा होगा मैं बहुत कम किसी अदर उससे शॉपिंग ऐप से शॉपिंग करती हूँ, मैं सिर्फ अमेजोन से ही करती हूँ, मुझे अमेजोन की जो शॉपिंग है वो अच्छी लगती है और अच्छी आती भी है, इजी रिटर्न पॉलिसी और ये सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये लिप बाम निकाल लेते हैं, इसमें ना हल्का सा टिंट है आई थिंक, क्योंकि मैंने शुगर की पहले कभी यूज़ नहीं करी है, तो अभी लगा के देख लेते हैं। वाह बहुत ही सॉफ्ट और ऐसे एकदम बटर नहीं होता जैसे वैसे है, कुछ चेरी सा वो है इसका। ये है कॉस्मोपोलिटन, हाँ कॉस्मोपोलिटन 02 है ये शेड, 4.5 ग्राम है इसमें, ये देख सकता हूँ शेड ये, पर मैं लिंक दे दूंगी तो ये वाला शेड आएगा,
बाकी अगर आपको कोई और शेड चाहिए तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं, बहुत सारे शेड्स हैं उसमें। तो ये था, तो मैंने आपको अपनी दिखा दी, सारी तो नहीं दिखाई है, कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दिए, कुछ और भी है, बट फिर वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाती है। अभी और भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। और मुझे लग रहा है कि मैं अपने चश्मे के ऊपर ही बैठ गई क्या, टेढ़ा हो गया मेरा चश्मा। नहीं, हाँ चश्मे के ऊपर ही बैठ गई थी मैं पूरा मेरा चश्मा ना एकदम से ऐसे होगा टेढ़ा, नहीं ठीक है नहीं बैठी थी एकदम से मेरे दिमाग में ऐसा होगा, मैं बड़ी मुश्किल से तो कोई चश्मा ऐसा फिट, पर कुछ तो टेढ़ा किया है मैंने इसमें, पर ठीक है अभी पहनने के लिए इजी होगा हो ही गया था, मैं बैठी गई थी इस पर। तो चलो मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ की व्यू की जो है रहती है ही मैं दिखाऊँ। उर्मी मैं आई कपड़े लेके, ठीक है? आलू कपड़े लेके आई, ठीक है? आप देखो, तो इसको मैंने फोन देके इसलिए बिठाया है क्योंकि ये पहले जिद कर रही थी कि मुझे बाहर जाना है, और बाहर थे बंदर, तो उस टाइम मैं इसको बाहर नहीं ले जा सकती थी। हवा चल रही है, बेशक धूप है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ठंड है एकदम चुभने वाली ठंड है। चलो देखते हैं धौलाधार दिख पाती है कि नहीं दिख पाती। तो ये देख सकते हो आप मौसम, बादल ही बादल, धौलाधार तो दिख नहीं रही है क्योंकि ऊपर की तरफ मौसम ख़राब है, हो सकता है स्नो फॉल ही हो रहा हो। और ये देख सकते हो आप, इस तरफ को तो धूप है, यहाँ धूप है वहाँ तो दिखाई देती हूँ मैं आप लोगों को। और हमारे ना ये कॉर्नर कॉर्नर पे से पानी रुक जाता है और उसी की वजह से फिर हमारे छत पे सीलन आती है, इसको अभी कटूँगी लकड़ी से, ठीक किसी लकड़ी से पानी रुक जाता ना तब ऐसा होता है। और इस वीडियो को भी ना मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि जिन लोगों को शॉपिंग देखनी होती है तो वो देख सकते हैं, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा ऐसे कुछ कैप्चर नहीं कर रही हूँ। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। और आई थिंक अगर तनु आ जाए तो आज से मैं अपनी वॉक जो है वो स्टार्ट करूँगी, और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा भी मेरे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्योंकि वेट जो है ना मेरा अभी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता नहीं है मतलब उतना ही है तो 70 पे ही स्टिल है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि ये भी ज़्यादा है, 62 तक लाने का है, पर देखते हैं अभी बीच में सोचती हूँ करूँ, लेकिन फिर घर के काम और ये सब कुछ बीच में कुछ ना कुछ जो वो है कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हो ही जाता कि नहीं कर पाती वॉक शुरू। तो चलिए फिलहाल कल मिलते हैं आप, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।